अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज तो न्यू ईयर है जिसके वजह से मैं आज चिकन टिक्का बर्गर बना रही हूँ। सो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं, बनाते कैसे हैं। पहले मैंने कीमा ले लिया है चिकन का, एंड इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तो 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, एंड रेड चिल्ली पाउडर जो है मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, एंड ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून। सॉल्ट मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेना। देन मैंने कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ इसमें, तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर रखा है। 2 टेबल स्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल इसमें ऐड किया है और इसे मिक्स कर देना है। देन मैं इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड कर रही हूँ, तो कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिली भी इसमें ऐड कर रही हूँ। कोरिएंडर लीव्स की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी जिससे खूबसूरती लगेगा, एंड इसे अपने हाथों के हेल्प से आप मिक्स करके गोल गोल शेप में देके कोई भी शेप में आप टिक्की बना सकते हो। तो फिलहाल टिक्की मीन्स होता है गोल शेप। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये तवा है और इसमें ऑयल ऐड करना है, ऑयल अच्छे से हीट कर देना है। टिक्की सब एक साथ एक ही बार में मैं डाल दूँगी और इसे लो फ्लेम टू हाई करना है। फिलहाल अभी मेरा फ्लेम लो है, एंड आप एक साइड आपका हो जाएगा तो आप इसके साइड चेंज कर दोगे। तो यहाँ पर मैं साइड सबका चेंज कर देती हूँ, फ्लेम स्टिल मेरा लो है, बट कवर कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अच्छे तरीके से पक जाएगा। सो यहाँ पर टिक्का तो बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब मैं सॉस की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेयोनीज लिया है, चिली सॉस लिया है, एंड टमाटो केचप लिया है। अगर आप चाहो तो और भी कोई सॉस ऐड कर सकते हैं, फिलहाल मैं इतना ही ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लेती हूँ। नेक्स्ट मैं बन लेती हूँ और इसमें ये सॉसेज ऐड कर लेती हूँ मिक्स किया हुआ जो है, इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेती हूँ। देन मैं एक ऑनियन डालती हूँ, उसके बाद मैं टिक्का डालूँगी, उसके बाद मैं टमाटो डालूँगी, फिर मैं सॉस उसमें डालूँगी एंड उसे कवर कर। सो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।